ताहाल कातिलों की गिरफ्तारी अमल में न आने के बारे में मुतासिर खानदान का क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल तालिब इल्म का चाचा मौलाना गुल हुसैन मदीनी। जी मदीनी साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आप और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी इस मुसलमाना आवाज़ को अरबाब इख्तदार हुक्मरान बाला तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। मैं अपने और ख़ानदान मुतासर ख़ानदान की तरफ से आपका और चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हादसा जो रोनमा हुआ, जिसका आज तीसरा दिन है, 72 घंटे गुजर गए, जो कि हमारे इस मजलूम और मासूम नन्न फूल के साथ शफाक जालिम दरिंदों ने जो जुल्म का इंतहा कर दिया। 72 घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी तक 72 घंटे गुजर गए, हमें और इस कौम का, इस ख़ानदान का और इस मुल्क का मुजरिम हमारे सामने अभी तक ना आ सका। तो इस हवाले से हम परेशान भी है और ताज्जुब का भी हम इजहार कर रहे हैं कि इस छोटे से गांव के अंदर, जिसका लगभग आबादी 100 के करीब है, इस लगभग 100 के करीब आबादी के अंदर भी, और दिन दहाड़े रात का भी नहीं, इलाके से दूर भी नहीं, आबादी के अंदर से इस बच्चे को कैसे लेकर गए, कौन गए, न किसी इंसान को नज़र आया, और ट्रैफिक भी चल रही है, लोग भी चल रहे हैं अपने खेत में, बाहर मान मवेशी के साथ लोग काम भी कर रहे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है और ताज्जुब की बात यह है कि 72 घंटे गुजर गए, न किसी शख्स ने इन दरिंदों को देखा और न कोई इनका सुराख और इन तक पहुंचने के लिए हमारी मदद कर रहा है। तो जहां तक इंतज़ामिया की बात है, वो अपनी तरफ से मेरे ख्याल में कोशिश कर रही है, पुलिस वाले भी हमारे पास आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो मुजरिम था, उस मुजरिम तक न पुलिस पहुँच सकी और न हमें उस हवाले से मुतमईन कराया गया। तो कल DIG साहब और SP साहब आए हैं, उन लोगों का क्या कहना है, क्या वो मतलब आपके साथ दावा कर रहे हैं? SP साहब का दूसरा दिन है, मैं अपने ज़ाती तौर पर भी SP साहब का मैंने शुक्रिया अदा किया और DIG साहब का भी, आपके चैनल के थ्रू भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दीगर रियासती कानून नाफिज़ करने वाले इदारों का भी हमारे साथ रबता है, उनके साथ रबते में वो रबता भी करते रहते हैं। तो SP साहब भी आ गए थे और DIG रेंज भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया, तो उन्होंने हमें मुतमईन और हमें इत्मीनान दिलाया कि हम ज़रूर इन मुजरिमों तक पहुँच जाएंगे और हमारे तरफ से जो मुमकिन हो सके, इस बस्ती की तरफ से जो मुमकिन हो सके, हम उनके साथ ताउन करने के लिए भी तैयार है। और आपके चैनल के थ्रू मैं आखिर में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के अंदर हुक्मरान तबका मौजूद है, मजबूत एक निज़ाम है, जमहूरियत है, जालिम के लिए कानून बनाया गया है। तो मैं यहाँ का इस वक्त का सेटअप में जो वज़ीर आला साहब है उनसे, और फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, और IGP साहब से मैं इंतहाई दर्दमंदाना उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप इसमें ख़ुद जो है ना इन्वॉल्व होकर आप हमारे साथ जो है ना हमारे सर पर आप दस्त शफ़त रखें, इन मुजरिमों को आप सामने लाए। इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना आपकी तरफ देख रही है, हम मुतासर ख़ानदान के लोग भी, चीफ सेक्रेटरी साहब, IGP साहब और गवर्नर साहब और फोर्स कमांडर साहब आपकी तरफ हम देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस दर्दमंदाना, इस मजलूमाना आवाज़ को आप सुनेंगे। मैं फिर अपने जो है ना इख्तदार बाला से, हुक्मरान बाला से, रियासत के कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंतहाई मजलूमाना अंदाज में अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। फोर्स कमांडर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला साहब और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और चीफ अपलिक कोर्ट का जो जज साहब है, उनसे भी मैं इंतहाई दर्दमंदाना फरियाद कर रहा हूँ कि हमारे इस मजलूम तक पहुँचने के लिए आप हमारी मदद करें, आप हमारे सर पर दस्त शफ़क़त रखें। आपकी अगर कोशिश होगी तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है कि ये कौम, ये इलाका सब उस मुजरिम को अपनी आंखों से देखेगी। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे आवाज़ को इख्तदार बाला तक, हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए आपने हमारी मदद की, ताउन के मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ।